कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो जनाब, मैं जा रही हूँ आज स्कूल, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग डे है। और उसके अलावा जी, आज थोड़ी सी मीटिंग चीटिंग भी है। तो हम लोग अभी जाएंगे, मैं अभी जाऊंगी, और तकरीबन आई थिंक 4-5 आवर्स की है ये ट्रेनिंग और मीटिंग, वट एवर। सो तो ठीक है जी। तो फिर मैं इसके बाद घर आऊँगी, और फिर जो भी आगे थोड़ी सी एक्टिविटी होंगी, घर के काम काज होंगे, उसका चेक करूँगी। सिर्फ बता रही थी कि इतने दिनों के बाद जा रही हो तो मौत पै रही है। ठीक है जी। तभी हम लोग क्या, मैं जाऊँगी और होपफुली फिर आप लोगों से दोबारा मिलूँगी आकर इवनिंग में। ठीक है, स्टे ट्यून। और प्लीज़ जनरल, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड सपोर्ट मी। ठीक है, थैंक यू जी, बाय बाय। ये देखिए, मंडे को मेरे बच्चों ने जाना है स्कूल, तो मुझे फिक्र लगी हुई थी। ये इनका पूरा 1 वीक का मैं जो है ना सामान ले आई हूँ। ये देखिए जी, ये थी रचली और ये थे आमंड फ्लेक्स, के जो मैंने कहा चलो मीठा बनाते हैं उसमें डाल लेते हैं। बका ये सारा कुछ उनका सामान है, और ये दालचीनी है, और ये बका उनका सामान है। ठीक है, दूसरा पैकेट खोलती तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो बस सारा सामान ले आई हूँ। अब ये देखिए, मैं कितना खूबसूरत पेन लेके आई हूँ अपने लिए। मुझे ये पेन चाहिए था, और मैंने कहा जब कभी वो करो सिग्नेचर वगैरह तो ऐसा पेन निकालो तो ज़रा अच्छा लगता है। मुझे वैसे भी ऐसी चीज़ें जमा करने का बहुत शौक है। तो ये देखिए, ये पेन ले आई हूँ। अभी मैं इन सब जितनी भी चीज़ें ले गई हूँ उनसे मैं जी, अब मैं स्टिल एंटी बैक्टीरियल यूज़ करती हूँ। मैं इनको वाइप करूँगी और फिर इनकी जगह पर रखूँगी। ठीक है, और फिर जब दूसरा पैकेट खोलती तो आपको फिर वो भी दिखाती हूँ। ये सारा बेकरी का सामान है। ये देखिए, ब्रेकफास्ट आई मीन सुबह कुछ ना कुछ बच्चे खा लेते हैं। ये पोरिज फिनिश हुआ था, कॉर्नफ्लेक्स लेके आई हूँ, और पकाइए सारा कुछ। ठीक है जी, ये देखिए। चलिए ये देखिए, मैं अपने ना जॉब के लिए वो भी लेके आई हूँ शूज़, क्योंकि बच्चों के साथ सारा दिन खड़ा रहना पड़ता है। तो बड़े अच्छे शूज़ मिल गए थे, तो मैंने कहा चलो ले जाती हूँ। ये देखिए, नाइस है ना। ठीक है, इसके साथ ही मैं लेके आई थी ये देखिए खजूरें, ज़बरदस्त है ये वाली, है ना, और बहुत अच्छी होती हैं वैसे भी आपके लिए। तो बस ये और सारा सामान है वो फ्रिज में रख दिया। और ये देखिए जी, ये है सारा मीट वगैरह, जो मीट चिकन यू नो सब कुछ है जो हमने, अभी मैं ठहर के खाना बनाऊंगी। ये देखिए, ये सारा बच्चों का ब्रेकफास्ट का सामान होता है इसमें सारा कुछ। और फिर ये देखिए जी, बाय हिज ग्रेस, खुदावन का शुक्र है, सारा कुछ बच्चों का आ गया। और बस बस जी, अभी मैं बनाऊंगी थोड़ी देर के बाद खाना वाना, और फिर खुदा ने चाहा तो आप लोगों से मुलाकात होगी। और एक्चुअल आज मेरे हस्बैंड की बर्थडे है, तो प्लीज़ मेरे हस्बैंड को सब लोग हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोलना। ठीक है, मैं उन्हें दिखाऊंगी जो जो हैप्पी बर्थडे लिखेगा। तो जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया फ़ौरन से कर लो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी मैं खाना वाना बनाऊँगी, उसकी रेसिपीज़ तो सारी वो है कि मेरे है उधर रेसिपीज़ में। तो ये कि खाना बनाऊंगी तो फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, लेकिन बनाते बनाते दिखाऊंगी ज़रूर। ठीक है जी। तो बस बच्चों के कल स्कूल लग रहे हैं, वो भी तैयारी व्यारी करनी है। तो आई होप कि आप लोग इन्जॉय करोगे आज मेरे साथ। तो मैं आई हूँ अच्छे स्कूल से वापस, क्योंकि आज था हमारा ट्रेनिंग डे, सेकेंड डे था, और हमारा स्कूल लग रहा है मंडे को। तो मैं मंडे को स्कूल जाऊँगी। तो ये देखे मेरी चुलबुली, तो इसको अभी नई नई कराऊंगी, इनको नई नई कराएंगे, इनको रेडी करूंगी, क्योंकि मंडे को स्कूल जाना। ठीक है जी, तो स्टे विद मी, और मैं आऊंगी अभी थोड़ी देर के बाद। ठीक है जी। चलिए ये देखे, बच्चों को लगे थी कि भूख, तो ये मैंने इनके लिए ये बनाए चिप्स बनाए हैं, चिकन नगेट्स हैं, और साथ ही मैंने फिश जो है ना वो भी फ्राई कर दिया, उनको बेक कर दिया। तो बस अभी ये इन्हें दूंगी, ये लंच कर लेंगे थोड़ा सा, और फिर मैं रात को वही जो मुझे डिनर बनाना था वो मैं बनाऊँगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना मुझे स्टेशनरी जमा करने का बहुत शौक है। तो ये देखिए, ये भी थोड़ी बोट हैं, लेकिन ये अरे वो हैं शॉपनर भी होते हैं, वो हैं कितने प्यारे बने हुए हैं ना, तो मुझे बहुत पसंद है ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। ये देखिए, ओके जी, ये देखिए जी, ये मैं बना रही हूँ लैम, लैम की जो है ना वो फ्रंट वाली, बैक वाली जो है ना चॉप्स, वो बना रही हूँ।
तो ये मैं नमकीन गोश्त अच्छे बना रही हूँ। ठीक है, मेरे नमकीन गोश्त बनाने का तरीका जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो अभी ये सिर्फ बिगनिंग है। देखिए जी, नमकीन गोश्त बनाऊंगी, फिर देखिए चिकन टिक्का बोटी बनाऊंगी, फिर ये लैम्ब की बोटी बनाऊंगी, फिर यहाँ पर ये चिकन है, वो कीमा है, सब कुछ है। ठीक है, तो स्टे विद मी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैंने क्या कौन कौन सी डिशेस बनाई। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए जी, ये मैंने जो बनाया था वो क्या उसको कहते हैं नमकीन चिकन नमकीन गोश्त, उसमें जी ये देखिए मेरा जो वो जो हमारा लैम चॉप्स थी वो बहुत अच्छी तरह से गल गई हैं, भुन गई हैं। फॉरगेट अबाउट दिस, इस पर मत जाइएगा कि हाँ ये देखो उसकी रेश की देखो कैसी है यार, फॉरगेट अबाउट दिस, मटेरियलिस्टिक मत बने। ठीक है ना, अगर आपको मेरा वीडियो देखना है तो देखिएगा, अगर क्रिटिसाइज़ करना है तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि घरों में ऐसा ही होता है, चाहे तुम यूके में हो, लंदन में हो, फिर उसके बाद कनाडा हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, वेर एवर यू आर, घरों में ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, ये छोटे छोटे इशू होते हैं, इनको फॉरगेट अबाउट अपना कंसंट्रेट करते हैं हम कर क्या रहे हैं। ठीक है जी, तो मैंने इसलिए ये बात किया क्योंकि मेरी बहुत से ऐसे फ्रेंड है जो देखेंगे कहेंगे ओह हो आपकी डिश की को क्या हुआ है, तो यार ये ख़राब हो गई है। ठीक है जी, तो अब मैं इसको फेंकूंगी तो नहीं, ऑफकोर्स मैं यूज़ तो करूँगी। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप देखिएगा, वरना आप इसको बंद करके कुछ और देख सकते हैं। ठीक है जी, चले जी, तो मैं क्या कह रही थी कि ये मैंने जो है ना नमकीन चिकन नमकीन मीट वो ऑलमोस्ट गल गया है, अभी इसमें मैं दूसरी चीज़ें डालूंगी। ये देखिए जी, ये मैंने बना रही चिली चिकन बना रही हूँ, उसके लिए मैंने चिकन को जो है ना बोनलेस चिकन इसको मसाले लगा दिए हैं। ये है रोस्ट के लिए मैंने बना दिया, ये जो स्प्रिंग अनियन है ये चिली चिकन में जाएंगे, और ये जो है ये अभी जाएगा हमारे नमकीन गोश्त में। ठीक है जी, तो अभी जैसे ये बनता है फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जब ये फुल्ली जो है ना प्रिपेयर हो जाएगा। ये देखिए जी, हमारा नमकीन गोश्त रेडी है, बहुत यमी लग रहा है ये देखिए बिल्कुल। अगर आप शावर गए हैं या पिंडी गए हैं तो आपने ये खाया होगा लाजमी। ठीक है जी, तो बस अभी ये मैं उतारूंगी, इसके बाद अब मैं फ्राई करूंगी चिकन उसके लिए, चिली चिकन के लिए। ठीक है जी, चलिए ये देखिए मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ उसके लिए, चिली चिकन के लिए, और साथ ही मैंने चिकन टिक्का बोटी जो है ना ये आपको पता था मैं ये लेके आई थी, तो मैं इसमें फिर वो चिकन टिक्का बोटी बना रही, उसको मैंने मसाला लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया, और अब मैं यहाँ पर ये जो चिकन रोस्ट है वो मैं इसमें फॉइल पे लगाने लगी हूँ और फिर ये बनाऊँगी। ठीक है जी, ये जो चिकन है ना, अभी जो मैंने चिकन फ्राई किया चिली चिकन वाला, ये कुछ इस तरह होगा। ठीक है, और वेजिटेबल मैंने काट ली थी, ये देखिए सब कुछ काट लिया, बस अब ये सब जैसे सब कुछ होता है तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह ये रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, चलो जी, ये देखिए जो मैं टिक्का बोटी बना रही थी वो बन गया, ऑलमोस्ट रेडी है। ये आपको पता था मैं ग्रिल लेके आई थी तो ये बन गया, और चिकन मैं फ्राई करती वो भी हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने ये देखिए जी ये भी रख दी है। ठीक है, चिकन ये देखिए अभी ये बस ठीक करवाऊँगी, क्योंकि ये बड़ी दफ़ा मैंने ठीक करवाया है पर आई डोंट नो, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक है ना उस वजह से ये ख़राब हो जाते हैं यहाँ से। एनीवे कोई नहीं, तो अभी होपफुली सून ठीक करेंगे। तो ये देखिए जी बहुत अच्छा चिकन टिक्का बना है ना, और ये तो मैंने दिखाया था ना, ये हमारा नमकीन गोश्त। चले अभी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। चलिए ये देखिए जो चिली चिकन बना रही थी अभी, बस वो अब रेडी करने लगे हैं, इसमें जो बस मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक डाला है तो बस उसी में अब करूँगी, और इसकी रेसिपी तो आप लोगों को बहुत दफ़ा मैंने बताई है। ठीक है जी, तो बस अब ये जैसे ही थोड़े से सोते होते हैं, ठीक है, तो फिर हम इसमें इसके जो बकाया इन्ग्रीडियंट्स हैं वो भी डालेंगे। इसके साथ ही मुझे देखने दें, वो देखिए जी रोस्ट भी बहुत अच्छी तरह हो गया, तो अभी हम लोग ये भी निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए जी यहाँ पर जो मैंने रोस्ट किया था वो भी हो गया है, रेडी है बिल्कुल। इसको मैंने बाउल में डाल दिया है क्योंकि हम लोग मैंने कहा ट्रे में क्या रखूँ, बाउल में ही डाल देती हूँ, तो मैंने इसको बाउल में डाल दिया। बहुत यमी बना, बहुत टेस्टी बना, आपने देखा कि मैंने तोड़ के थोड़ा सा खाया था, बहुत यमी था। इसके बाद ये देखिए जी केक हमारा रेडी है, ये डैडी ने बोला हैप्पी बर्थडे द बेस्ट डैड एंड हस्बैंड, बट जी क्या हुआ कि वो मैं केक मैं लेके आई, मैंने फ्रिज में रखा तो मैं निकालने लगी थी तो वो अचानक यू नो मेरे हाथ से थोड़ा स्लिप हुआ और वो थोड़ा इधर से उधर हो गया, फिर मैंने फिक्स कर लिया। एनीवे अब ये शार्लिन मामू के साथ और ट्विंकल के साथ केक लेके आई है, डैडा को बोलिए डैडा चले छोड़ दे अपना काम और आप केक कटिंग कर ले।
यहाँ पर डैडी कुछ अपना काम कर रहे थे, तो उन्होंने एनीवे छोड़ा और उन्होंने केक कट किया। तो यहाँ पर काफ़ी वो एक्चुअल बोल रहे थे, हंसी मजाक हो रहा था, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा था कि वो मैंने कहा चलो वो क्या रिकॉर्ड करना, मैं इस पे वॉइस ओवर कर लूँगी। तो यहाँ पर जी डैडी ने केक कट किया, सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी को खिलाया क्योंकि वो शार्लिन से और ट्विंकल से बहुत प्यार करते हैं। तो उन्होंने फिर जी ये केक भी खाने काटा, हम लोगों को भी खिलाया, मुझे भी खिलाया और बहुत हम लोगों ने इन्जॉय किया। वेरी फन डे था और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। देखिए जी, ये हमारा खाना है जो मैंने बनाया है। ये है चिली चिकन, राइस, रोस्ट चिकन, ये टिक्का बोटी और ये है चॉप्स। ये देखें शैली को भी लैम चॉप्स। और ये देखें जी, ये मेरे हस्बैंड की प्लेट है। ये सारा कुछ देखें, सारे खाने बनाए एक ही प्लेट में रख दिए। ठीक है जी, तो अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे और फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा दिन जो है ना वो ख़त्म हुआ। ठीक है जी, ये अभी नाइट हो गई है। तो ये देखिए जितना भी यहाँ पर आज के खाने वाने का वो था, वो सारे बर्तन वगैरह साफ़ हो गए, क्लीन हो गए, वॉश हो गए। ये सारा सिंक वगैरह साफ़ कर दिया। और ये देखिए जी, शालीन मेरे लिए बनाने लगी है कप ऑफ, क्या बनाने लगी हो? कॉफ़ी। हाँ जी, ये मेरे लिए कॉफ़ी बनाने लगी है। फाइंड द शुगर। नो नो, आई डोंट नीड शुगर, यू नो दैट, आई डोंट, नो नो, आई डोंट नीड शुगर। तो ये देखिए जी, यहाँ पर सारी क्लीनिंग हो गई, तो सारे खाने वाने जो है ना वो चले गए फ्रिज में। और बस जी यहाँ पर और क्या, और बस ये देखिए, या तो बस अभी ये मेरे लिए कॉफ़ी बनाएंगी और फिर मैं चलूँगी। ठीक है जी, तो आई होप कि आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी, तो आई होप कि फिर आऊँगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ आपके सामने। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।